हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मुझे पता है कि मैं सरस्वती पूजा लुक करने में थोड़ा सा लेट हो गई, मुझे बहुत ही काम था। और आप लोगों का रोज डीएम आ रहा था सरस्वती पूजा मेकअप लुक प्लीज करिए। आप लोग का रिक्वेस्ट था कि आप सरस्वती पूजा मेकअप लुक करिए। मेरे पास बहुत काम था, इस बार मैं सरस्वती पूजा मेकअप लुक नहीं करने वाली थी, पर आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करो और मैं पूरा ना करूँ ऐसा हो सकता है? एकदम भी नहीं हो सकता है। तो मैं आप सबके लिए एक प्यारा सिंपल मैं सरस्वती पूजा मेकअप लुक लाई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले से मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करके रखा है। आप अगर मॉर्निंग में अगर बाहर निकल रहे हो तो प्लीज सनस्क्रीन इस्तेमाल कर लेना, वरना आपका मेकअप भी डार्क हो जाता है, आपका स्किन भी डार्क हो जाएगा और टैन हो जाएगा। तो मैं पहले में डुई सा मेकअप करने वाली हूँ। इससे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एकोलॉजी का डुई ग्लो वाला सीरम। इससे ना बहुत ही अच्छा ग्लो मिलता है। मेकअप करने से पहले ना मॉइस्चराइजर के बाद आप जितना भी कोई इस्तेमाल करना, ब्रश किट हो इस्तेमाल करना, वरना आप अगर हाइलाइटर भी इस्तेमाल करते हो मतलब मेकअप स्टार्ट करने से पहले, तो वो अच्छा नहीं होता है, डुई सा ग्लो नहीं देगा। फिर मैं चीक्स में यहाँ पे स्विस वीडियो का हाइलाइटर इस्तेमाल कर रही हूँ, सिर्फ चीक्स में। और यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है और कहीं पे नहीं करना है। लुक बहुत ही क्यूट होगा और बहुत ही जल्दी हो जाए। तो आप अभी से देख सकते हो कितना पैसा ग्लो दिख रहा है। इसके ऊपर अगर बेस करेंगे बहुत ही ड्यूबी सा बेस होगा। तो आज मैं कुछ ऑरेंज कलर करेक्टर में इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। स्किन से दो शेड डाई कर मैं शेड लेके, जहाँ जहाँ पिगमेंट स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, आइस का नीचे में डार्क सर्कल है, आपको वहाँ पे इस्तेमाल करना है। मैं ड्राइविंग मोशन में इस्तेमाल कर रही हूँ। सी आपको इस वाला पोर्शन में इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर आप डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो और आपको ज़्यादा फाउंडेशन का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये वाला ही आपको हाफ कवरेज प्रोवाइड कर देगा। मैं अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करूँगी, सो मतलब मैं मिस्ट भी कर रही हूँ, देखो स्किन में अप्लाई भी कर रही हूँ और ब्लेंड दोनों एक साथ कर रही हूँ। तो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इसके बाद मैं फाउंडेशन लूंगी एक ही पम्प। देखो मैंने इतना सा ही फाउंडेशन मैंने लिया है। फाउंडेशन को फाउंडेशन ब्रश के मदद से पूरा फेस में अप्लाई करेंगे, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से ब्लेंड करेंगे। अच्छी तरह से पूरा फेस में इस तरह से लगाएंगे। हम लोग का घर के पास वाला मंदिर में पूजा स्टार्ट हो गया, इस पर पूजा होता है, तो अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। तो आपको ड्यूई सा लुक आएगा, नेचुरल सा। हम लोग कॉन्टूर इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं कॉन्टूर को ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, उसके बाद ब्लश को ब्लेंड करूंगी। अपर मोशन में आपको ब्लेंड करना है। इसे ब्लेंड करूंगी। आप अगर स्माइल करके ब्लश को ब्लेंड करते हो ना, पूरा परफेक्ट होता है। इसे भी कर सकते कोई बात नहीं। फिर मैं यहाँ पे लाइट कलर का कंसीलर इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, और थोड़ा सा नोज में। फिर आपको कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर लेके डस्ट ऑफ करके पूरा मेकअप को सेट करना है आईज के जगह पे। आपको ब्लश और कॉन्टूर को सेट नहीं करना है, क्योंकि हम लोग वो ब्लश और कॉन्टूर देके सेट करेंगे पाउडर वाला। जहाँ जहाँ हमने फाउंडेशन कॉन्सीलर अप्लाई किया, आपको वहाँ वहाँ सेट करना अच्छे से।
ज़्यादा नहीं लेना, देखो मैंने थोड़ा सा लेकर टैप टैप कर दो, फिर ब्लेंड करूँगी, फिर मैं प्रमोशन में इसको ब्लेंड करूँगी, फिर नोज को भी करूँगी थोड़ा सा। कलर का ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा पिंक कलर है शुगर का। फिर हम लोग करेंगे आईब्रोज। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले आज से स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ब्राउन कलर लेके, फिर इसको फील करेंगे तो स्ट्रोक की रेड करना है, बहुत ही इजी है। देखो आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आपको आज से स्टार्ट करना है। देखो इसे नीचे एक लाइन फील, फिर आपको फिर आते हैं आई मेकअप की तरफ। तो आपको कोई कोई भी ब्लैक कलर का काजल लेना है और लाइन क्रिएट करना है पतला सा। ज्यादा मोटा भी लाइन मत क्रिएट करना। हुआ, उसके बाद आपको अंडर आईज में भी काजल इस्तेमाल करना, उसको भी स्मच करना है। काजल को आपको स्मच करना है, आपको अपर मोशन में नहीं जाना, जहाँ पे आपने काजल इस्तेमाल किया था आपको वहाँ पे ही स्मच करना है। मैं ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाऊँगी, ऊपर तक नहीं जाना है, वहाँ पे ही स्मच करना है, थोड़ा सा स्मच करना है। फिर आपको यहाँ पे ब्राउन कलर का शेडो लेना है, ऊपर में ब्लेंड करना है। इसके ऊपर से आपको ब्लेंड करना है। तो हमने ब्लैक को ब्राउन से स्मच कर लिया, उसके बाद पिंक कलर इस्तेमाल करेंगे, एकदम लाइट पिंक कलर, लाइट पिंक कलर लेके यहाँ पे अप्लाई करेंगे। स्मच करेंगे ब्लैक कलर को, जो स्मच किया ही था यहाँ पे ब्राउन अप्लाई मत करना, जो पिंक कलर हमने इस्तेमाल किया है उससे स्मच करो। मैं हाइलाइटर इस्तेमाल कर रही हूँ, आईज के कॉर्नर में थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगी, नोज के ऊपर और चीक्स। फिर मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का लिप लाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ, ये वाला फेवरेट लिप लाइनर है, ये वाला कलर। तो फाइनल लुक दिखाती हूँ, गाइस आप सबको ये वाला लुक कैसा लगा है प्लीज कमेंट करना, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करना। ये वाला लुक तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप सबको कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बोलती हूँ कमेंट करने के लिए ताकि मुझे भी पता चले आप सबको कैसा लगा है। और ये वाला इयरिंग्स मैंने खुद बनाया है, ये वाला ट्यूटोरियल आज मॉर्निंग तक व कल तक आपको मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।